गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर क्लास 7 का, जो कि है लाइट। एंड लाइट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ दिस क्लास 7। ठीक है, तो आज से कंटिन्यू 1 मंथ तक हम लोग लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या लाइट होता है और लाइट में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, और लाइट में किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि लाइट क्या क्या फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन का फॉलो करता है और रिफ्रैक्शन का फॉलो करता है। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ लाइट अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। बेसिक्स ऑफ लाइट, लाइट होता क्या है, कैसे समझेंगे कि लाइट यहाँ पर से पास कर रहा है और लाइट यहाँ पर पास नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि लाइट क्या है, एक्चुअली लाइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, नोबडी कैन सी लाइट, हम लोग लाइट को एक्चुअली में देख नहीं सकते हैं, बट लाइट मेक्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स। लाइट को हम लोग देख सकते हैं, लाइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बट लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में हम किसी चीज को देख सकते हैं। जैसे सपोज अभी डे है, तो डे में क्या होता है, हम सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं अपने आसपास। हम अपने आसपास ट्री देख सकते हैं, बिल्डिंग्स देख सकते हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स देख सकते हैं, सब कुछ हमको आसपास दिखाई दे रहा है। बट रात में क्या होता है, एट नाइट क्या होता है, जब लाइट नहीं रहता है तो किसी ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं क्या, नहीं देख पाते। उसके लिए फिर हमको आर्टिफिशियल लाइट यूज करना पड़ता है। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट यूज करके हम किसी चीज को देखते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या है, लाइट मेक्स अस विजिबल ऑल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सारे चीज को देखने के लिए हमको क्या जरूरत है, लाइट जरूरत है, लाइट और आई। ठीक है, लाइट नहीं रहेगा तो आई भी काम नहीं करेगा। जैसे एट नाइट क्या आप लोग के पास आई रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है। बट जैसे लाइट जब चला जाता है तो क्या होता है, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाते हैं। आपके पास आई है लेकिन आप देख नहीं पाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं है। तो इस तरह से लाइट का डिफिनेशन बना, क्या डिफिनेशन बना, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हाट, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। ये हमको देखने की क्षमता देता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है जो हम लोग को क्या देता है, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, सबको यहां तक समझ में आया, सब लोग जल्दी से बताइए पहले यहां तक। चलिए अब आगे पढ़ते हैं लाइट के फॉर्म के बारे में, लाइट हमको किस तरह से मिलता है। ठीक है, अब देखिए, नाउ वी स्टडी अबाउट डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट हमको कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो लाइट जिस तरह से हमको मिलता है उसको अलग अलग सोर्स में क्या किए हैं, क्लासिफाइड किए हैं। व्हाट इज सोर्सेस ऑफ लाइट, एन ऑब्जेक्ट दैट इमिट्स लाइट इज नोन एज सोर्सेस ऑफ लाइट। जो भी ऑब्जेक्ट लाइट को प्रोड्यूस करता है, लाइट को इमिट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ लाइट। जैसे अगर आपको आपके रूम में लाइट चाहिए तो क्या करते हैं, आप ट्यूबलाइट जला देते हैं, है ना, या फिर कोई बल्ब जला देते हैं, तब आपको क्या मिलता है, लाइट मिलने लगता है। ठीक है, उसी तरह से अलग अलग सोर्सेस ऑफ लाइट है, किस तरह से हमको लाइट मिलता है। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं, सोर्सेस ऑफ लाइट। तो देयर आर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट, एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन है अलग अलग सोर्सेस ऑफ लाइट। तो पहला जो सोर्स ऑफ लाइट है वो है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। फर्स्ट सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि जिस सोर्स से हमको नेचर में प्रेजेंट है, जो ऑब्जेक्ट, जो सोर्स नेचर में प्रेजेंट है और लाइट को प्रोड्यूस करता है, हमारे द्वारा नहीं किया जाता है बट नेचर के द्वारा, गॉड मेड के द्वारा, ठीक है, गॉड बनाया है उनके द्वारा लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द लाइट प्रोड्यूस्ड बाई ए नेचुरल ऑब्जेक्ट इज नोन एज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक, यानी कि लाइट जो प्रोड्यूस कर रहा है नेचुरल ऑब्जेक्ट, नेचुरल ऑब्जेक्ट में कौन कौन है, तो नेचुरल ऑब्जेक्ट में है सन, ठीक है, मून, ठीक, स्टार्स, लाइटनिंग। अभी आपको आपके गांव में भी, आपके शहर में भी क्या हो रहा है, लाइटनिंग हो रहा है। ठीक है, रेनिंग हो रहा है, लाइटनिंग होता है, तो क्या होता है, बहुत ही तेज फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट होता है। ठीक है,
तो बहुत ही तेज फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट होता है। तो आप देखिएगा ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस हुआ, कोई हमारा पिक्चर कोई फोटो हमारा क्लिक कर दिया है, ठीक है, इस तरह से लगता है। ग्लो वॉर इन सम विलेजेज, ठीक है, आप देखिएगा फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं जो चमकते हैं रात में जुगनू की तरह, ठीक है, जुगनूस को बोलते हैं, और वो भुक 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 करता है, देखने में काफी सुंदर लगता है। तो क्या है ग्लो वॉर्म? तो ये सब ऑब्जेक्ट जो है हम लोग नहीं बना सकते हैं, हम लोग के द्वारा नहीं बनाया गया है, वो क्या है नेचर के द्वारा बनाया गया है। तो ये सब क्या है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। अब उसी तरह से सेकंड क्लासिफिकेशन है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में क्या होता है जो मैनमेड के द्वारा बनाया है, हम लोग बनाए हैं, अगर हम लोग नहीं होते तो फिर ये कोई बनाता नहीं, मैन के द्वारा बनाया गया है, मैनमेड है, आर्टिफिशियल है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। कैसे डिफाइन करेंगे? द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय मैनमेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, द लाइट प्रोड्यूस्ड बाय मैनमेड ऑब्जेक्ट इज नोन एज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए टॉर्च कौन बनाया? टॉर्च मैन ही बनाया है। बल्ब कौन बनाया? मैन बनाया है। ट्यूबलाइट कौन बनाया? मैन बनाया है। कैंडल हो गया, लैंप हो गया, लेंटेन हो गया, और भी बहुत सारा चीज जो लाइट को प्रोड्यूस करता है और जो मैनमेड के द्वारा बनाया गया है वो क्या है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन समझ में आया तक सब लोग बताइए। कंप्लीटेड, वेरी गुड। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड नंबर में है लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे आर्टिफिशियल और लुमिनस में क्या जाते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि लुमिनस क्या होता है, नॉन लुमिनस क्या होता है। तो देखिए इसको ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा तो दोनों में डिफरेंस में आ जाएगा, नहीं तो आप लोग बार बार क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल और नॉन लुमिनस में क्या हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा इसका डिफिनेशन क्या होता है। लुमिनस का मतलब होता है जो प्रकाश, जो खुद का प्रकाश प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो अपना लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ऑन लाइट यानी अपना लाइट। जैसे अगर आप समझिए कि अभी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अभी क्या आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग क्या करते हैं पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से पैसा मांगते हैं ना, आप अपने पेरेंट्स से पैसा मांगते हैं कि आप खुद से पैसा कमाते हैं, आपको पेरेंट्स पैसा देते हैं कि खुद का पैसा देते हैं बताइए। आपको जो पैसा मिलता है वो आपको खुद का पैसा होता है कि पेरेंट्स के द्वारा जो मिलता है वो पैसा होता है बताइए। ठीक है, तो क्या है पेरेंट्स का, ठीक। फिर आप जब बड़े हो जाते हैं फिर आप 20 इयर्स या 25 इयर्स क्या हो जाते हैं, जब आप वर्क करने लगते हैं, जब आप क्या करने लगते हैं वर्क करने लगते हैं, तो फिर जो पैसा होगा वो खुद का पैसा होगा ना। आप पेरेंट्स मांगे क्या क्या 25 साल 30 साल हो जाइएगा, 25 साल 30 साल का हो जाने के बाद क्या आप लोग पैसा पेरेंट्स मांगेगा कि खुद का पैसा होगा, सेल्फ होगा बताइए, खुद का पैसा होगा कि पेरेंट्स का पैसा होगा, ठीक है, वेरी गुड। जब आप लोग बड़े हो जाइएगा तो क्या हो जाएगा आप अपना खुद का पैसा कमाइएगा, खुद का पैसा खर्च करेगा। तो इसी तरह से हमको समझना है कि किसके पास अपना खुद का लाइट है और किसके पास वो दूसरे से मांग करके लाइट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी कि जिसका अपना लाइट होगा, अपना यानी खुद का लाइट होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे लुमिनस। और जो किसी के द्वारा मांगा गया हो, कोई उसको हेल्प किया हो, ठीक है, दूसरे का लाइट ले करके आपको मिलता है, दूसरा का लाइट उस पर लाता है फिर आपको मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं नॉन लुमिनस। समझिएगा इस चीज को, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, दो सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट देयर ऑन लाइट, यानी कि अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करे, हम क्या करें बस उसके पास जाएं और वो खुद से लाइट प्रोड्यूस करे, आर कॉल्ड लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि किसी से लाइट लेकर नहीं, हमको दिखे कि डायरेक्ट उसी से लाइट आ रहा है, उसके पास किसी और से लाइट नहीं आया। जैसे एग्जांपल में देखिए सन क्या होता है, क्या सन किसी स्टार से लाइट लेकर के आपको लाइट देता है कि खुद का लाइट है? सन जो लाइट देता है क्या वो किसी स्टार से लाइट आ रहा है उसके पास कि खुद का लाइट है?
तो आप समझिएगा सन के पास खुद का लाइट है, ठीक। स्टार्स, जो स्टार्स होते हैं हमारे स्काई में, वो क्या करते हैं, एक तरह का सन ही है या सन एक तरह का स्टार है, वो सब क्या है, खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है। कैंडल, जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो ये खुद ही ना जलता है, खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है ना, खुद जल करके, या कैंडल को किसी और से लाइट मिलता है नहीं ना, खुद से लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब क्या है, इसी में से लाइट प्रोड्यूस होता है, किसी और जगह से लाइट नहीं ले रहा है, हाँ किसी और जगह से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा है। ये इलेक्ट्रिसिटी लिया और लाइट प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी ने लिया है क्या, किसी से लाइट लिया है नहीं ना, इलेक्ट्रिसिटी ले सकता है, केमिकल ले सकता है, हीट ले सकता है। लाइट अगर ले, खुद का लाइट किसी से ले और आपको लाइट दे, तो फिर लुमिनस नहीं होगा, ठीक है। अब समझिएगा नॉन लुमिनस, ये क्या करता है, दूसरा से लाइट लेता है और आपको देता है, ठीक है। दूसरा से क्या ले रहा है, लाइट ले रहा है, अपना लाइट नहीं, दूसरा से लाइट ले करके आपको देगा, तो क्या कहेंगे, नॉन लुमिनस। इसमें क्या होता, बल्ब में क्या होता, दूसरा से इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था, लाइट तो खुद का ही था, बट ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरा से लाइट भी लेते हैं। जैसे हो गया मून, आप देखिएगा रात में जो मून है वो चमकता है ना, लेकिन क्या मून के पास खुद का लाइट है कि सन से लाइट ले लेता है। आपके पास सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। मून क्या होता है, नाइट में आती है, तो मून जो लाइट देता है हमको, वो खुद का लाइट है कि पहले सन से उसके पास लाइट आता है, बताओ, क्या लाइट पहले सन के पास उसके पास गया फिर हमारे पास आया, कि मून का खुद का लाइट है, बताइए। वेरी गुड, पहले क्या होता है, सन से लाइट आता है मून के पर, फिर मून से आता है अर्थ पर, तो क्या है, मून क्या है, नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट। याद रखा, मून इज नॉन लुमिनस एंड आर्टिफिशियल, मून इज नॉन लुमिनस एंड नेचुरल, ठीक है। हम लोग नेचुरल और आर्टिफिशियल में कंफ्यूज हो जाएंगे, मून इज नेचुरल एंड नॉन लुमिनस, मून को हम लोग नहीं बनाया है, ठीक, बट वो लाइट प्रोड्यूस करता है। प्लैनेट, आप देखिएगा जो प्लैनेट्स होते हैं, वीनस, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, वीनस जो बोलते हैं ना, वो चमकता है, तो क्या वो खुद का लाइट देता है कि सन से लाइट उसके पास आता है, किससे आता है, सन से। मिरर, आप लोग देखिएगा मिरर ले करके और सन सन के थ्रू, सन के पास मिरर से लाइट आएगा, ठीक है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, सन का लाइट एक मिरर पर आता था, हैंड से क्या किए, मिरर को पकड़ लिए और फिर ये लाइट किसी के आई पर, किसी के आई पर हम चमकाते थे, ऐसा किए आप लोग, ऐसा काम किए हैं, सनलाइट मिरर से लेकर के किसी के आई पर चमकाते थे, ऐसा होता था कभी, बोलिए। ठीक है, तो मिरर क्या है, नॉन लुमिनस। यूटेंसिल्स, हम लोग क्या करते थे, थाली वगैरह, चम्मच वगैरह लेकर के, कटोरी वगैरह लेकर के किसी को लाइट से रिफ्लेक्ट करवाते थे, चमकाते थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉन लुमिनस सोर्स ऑफ लाइट, पहले उसको लिख लीजिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो हमसे पूछिए, हम आपको सारा कुछ क्लियर कर देंगे, लुमिनस और नॉन लुमिनस, ठीक है।